हाय टू एवरीवन, मेरा नाम नवनीत मिश्रा है और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में ना तो कोई स्टूडेंट बात करता है और ना तो कोई टीचर इसको जनरली डिस्कस करता है। और वो टॉपिक है कि हमें बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़नी क्यों चाहिए। यानी कि पिछले 10-11 सालों में मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया और बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज ली, मगर एक भी स्टूडेंट ने आज तक मुझसे ये नहीं पूछा कि सर ये जो इकोनॉमिक्स है, जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है उसको हम क्यों पढ़ें, इकोनॉमिक्स हम पढ़ते क्यों हैं। अच्छा, एक आध स्टूडेंट ने ऐसा बोला कि सर मैंने पूछने की कोशिश की तो टीचर ने कहा कि चुपचाप बैठ जाओ, बात मत करो, या टीचर ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया इस टॉपिक पे बात करने के लिए कि इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट हम पढ़े क्यों। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूं वो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट के दिमाग में सवाल आए कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो उसका जवाब मेरी वीडियो को देखकर मिल जाए। तो आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस सवाल से कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, सर हमें इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ना चाहिए। तो आप इस सवाल को ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। अब इस सवाल के जवाब को देने के लिए मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, मेरी रियल जिंदगी का एग्जांपल है। और जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तो मुझे लगा कि ये जो चीजें हो रही हैं वो शायद आगे चल के मुझे नहीं पता था कि मैं इकोनॉमिक्स से रिलेट कर पाऊंगा उन चीजों को। जब मैं 2006 में दिल्ली आया तो मेरे फादर ने मुझसे कहा कि मैं आपको एक सर्टेन अमाउंट दे सकता हूँ मंथली खर्चे के लिए, एक सर्टेन अमाउंट दे सकता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, सर्टेन अमाउंट वो मुझे देते थे। तो फॉर एग्जांपल वो अमाउंट था 6,000 रुपये, यानी कि 6,000 रुपये पर मंथ मेरे फादर मुझे देते थे और मुझसे कहते थे कि बेटा इन 6,000 रुपये में आपको अपना पूरा मंथ में खर्चा करना है या खर्चा निकालना है। मैंने कहा ठीक है। अब सबसे पहले जब मैं शहर में अनजान था और इस शहर में मैं किसी को नहीं जानता था तो मैं कई बार बच्चों से पूछा जब मैं एग्जांपल देता था कि अगर आप मेरी जगह होते, अनजान होते, शहर में किसी को नहीं जानते, तो सबसे पहले इस 6,000 रुपये का यूटिलाइजेशन कहां करते। तो कुछ देर बच्चों ने सोचा और सोचने के बाद आंसर कहा कि सर सबसे पहले हम घर लेते। यानी कि अगर देखा जाए तो सबसे पहले सर रहने की जगह होनी चाहिए। मैंने कहा वेरी नाइस। अगर आप देखें तो किसी भी इंसान की जिंदगी में बेसिक नीड्स तो हैं, तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इन 6,000 का स्टूडेंट्स ने कहा कि सर 6,000 रुपये का जो यूटिलाइजेशन है वो घर में होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल घर के नाम पर या रेंट के नाम पर मैंने 2,000 रुपये खर्च कर दिए। यानी कि सर दिल्ली शहर में रहने का मौका मिल गया, अब बच्चे मेरे पास 4,000 रुपये। तो मैंने फिर स्टूडेंट से पूछा, मैंने कहा अच्छा बताओ कि ये 4,000 रुपये का यूटिलाइजेशन कैसे करोगे, कहां करें। तो उन्होंने कहा सर अगर रहने की जगह हो गई तो सर फिर खाना मिलना चाहिए। मैंने कहा वेरी नाइस। तो मैंने कहा कि वही मैंने किया, मैंने अपने फूड का इंतजाम किया और एक मेस में 2,000 रुपये डिपॉजिट कर दिए कि भाई पर मंथ का मेरा खाना हो जाए वहां। तो 2,000 रुपये चले गए घर में और 2,000 चले गए फूड में, यानी कि खाना भी हो गया और रहना भी हो गया। अब सवाल यह है कि सर मेरे पास 2,000 रुपये बच रहे हैं, उसका मैं यूटिलाइजेशन क्या करूं। अब उन 2,000 रुपये का मैंने यूटिलाइजेशन सोचा या स्टूडेंट्स ने भी रिकमेंड किया, उन्होंने कहा कि सर उन 2,000 रुपये से, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, मैं यहां पढ़ने आया था, तो मैंने कहा कि सर उस 2,000 रुपये से मैंने बुक्स खरीद ली, मान लीजिए पेन खरीद लिए, या अपनी कॉलेज की कोई फीस पे कर दी, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मैंने खर्च किए, या बस का पास रिचार्ज करा लिया। तो कहीं ना कहीं ये 6,000 रुपये एज अ स्टूडेंट मैंने घर पे खाने के ऊपर, किताबों के ऊपर, पेन के ऊपर, बुक्स के ऊपर खर्च किए। मगर मेरा सवाल ये है कि क्या इन 2,000 रुपये या ये 6,000 रुपये मैं कहीं और भी खर्च कर सकता था, क्या ये 6,000 रुपये कहीं मैं और यूटिलाइज कर सकता था। तो आंसर इज यस, कर सकता था। इन 6,000 रुपये में से
मैं मूवी देख सकता था वहां पर। अगर मैं 500 रुपए देता कि सर मुझे दीपिका पादुकोण की मूवी देखनी है तो शायद पीवीआर वाला मना नहीं करता, तो यानी कि मैं मूवी देख सकता था। मैंने साथ साथ में कहीं ना कहीं टूर पे जा सकता था, कहीं घूमने जा सकता था, अपने लिए महंगे महंगे कपड़े खरीद सकता था, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मतलब सिर्फ खाना रहना या बुक्स के अलावा अगर मैं 6000 रुपए मनी की बात करूं, पैसे की बात करूं, तो इसको बहुत जगह मैं यूटिलाइज कर सकता था। मगर मैंने यूटिलाइजेशन किया घर पे, फूड पर, किताबों के ऊपर, पेन के ऊपर, अपनी स्कूल या कॉलेज फीस के ऊपर। ठीक ऐसे ही जब कहीं ना कहीं हमें यह सवाल आता है कि सर हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ें, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़नी चाहिए, तो उसका जवाब है कि अगर ये 6000 मेरे ना होकर आप इसे 6000 रुपए कंट्री का रिसोर्स मान लो, कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो 6000 रुपए के हैं। अब सवाल यह है कि कंट्री को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि सर ये 6000 रुपए का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा सर, यानी कि कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं वो 6000 रुपए हैं, उन 6000 रुपए का सर बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा? क्या सर ये 6000 रुपए के बहुत जगह ऑप्शन हम खर्च कर सकते हैं, पर कंट्री को समझ नहीं आ रहा है, कंट्री को मुश्किल हो रहा है समझने में कि सर हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, हमारे पास जो पैसा है, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं सर वो लिमिटेड है, 6000 ही है, तो सर इसको हम कहां खर्च करें? अगर हमें यह जानना है कि सर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कहां खर्च करें या उन रिसोर्सेज का सही यूटिलाइजेशन क्या होगा, तो उसको जानने के लिए हमें इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी। यानी कि अगर आप देखें तो यह सवाल कि हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़े हैं, इसका बहुत सिंपल आंसर है सर। इसका सिंपल आंसर है कि सर कंट्री के पास रिसोर्सेज हैं सर। अगर आप माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर स्टार्टिंग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की बात की गई है सर। सर अगर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं अगर वो कम हैं, उसका यूटिलाइजेशन हमें सही तरीके से कैसे करना है सर, हम उस रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करें सर कि जिससे हमारे देश की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारे देश की जो प्रायोरिटीज हैं सर हम उनको पूरा कर पाए, तो उसको जानने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। ये 6000 रुपए बहुत जगह खर्च हो सकते हैं, इसके मेनी यूजेस हैं, बहुत जगह पैसे खर्च कर सकते हैं, मगर अगर आपको यह जानना है कि ये 6000 रुपए का बेस्ट यूटिलाइजेशन क्या होगा, सर ये 6000 रुपए से हमारी कंट्री में क्या बेटरमेंट हो सकता है, तो सर उसके लिए जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि सर हमें इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है या हमें इकोनॉमिक्स पढ़ने से ये क्या समझ आएगा, तो उसका सिंपल आंसर है सर कि अगर हमारी कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं और वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, इकोनॉमिक स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो देश में लोगों को बताए, सरकार को बताए कि सर हमारे देश में जो लिमिटेड रिसोर्सेज है ना सर उनका सही यूटिलाइजेशन क्या होगा सर, उसको पता होगा सर, और अगर वो सही यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं या हमने किया तो कंट्री को बेटरमेंट होगा। तो ये बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है, ये जो इकोनॉमिक्स है बड़ा कमाल का सब्जेक्ट है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी रियल लाइफ जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें सुनते हैं जो इकोनॉमिक्स से रिलेट करती है, बट कहीं ना कहीं जब आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, इस सब्जेक्ट को समझते हैं, तो सिर्फ आपको इसमें यही आंसर नहीं मिलता कि सर कंट्री के पास जो रिसोर्सेज हैं, कंट्री के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं सर उनका सही इस्तेमाल कैसे करें सर, ये शायद आप बाकी सब्जेक्ट्स आपको नहीं समझा पाएंगे। तो इसीलिए सर कंट्री के रिसोर्सेज हम सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, सर कंट्री को कैसे हम बेटर रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सिखा सकते हैं, बता सकते हैं, तो इसके लिए सर हमें जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ेगा। तो सिंपल आंसर है, ये 6000 रुपए को हम कहीं भी खर्च कर सकते थे, बीइंग अ स्टूडेंट मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन थे इन 6000 रुपए को खर्च करने के लिए, मगर मैंने सोचा भाई मैं दिल्ली क्या करने आया, पढ़ने, सर अगर मैं मूवी पे खर्च करूंगा तो भी हो जाएंगे, टूर पे जाऊंगा तो भी हो जाएंगे, कपड़े खरीदूंगा तो भी 6000 रुपए खर्च हो जाएंगे, बट सर मैं दिल्ली करने क्या आया, पढ़ने, अगर मैं पढ़ने आया, मैं स्टूडेंट हूं, तो सर सही यूटिलाइजेशन खाना किताबें पेन है सर। ऐसे ही अगर कंट्री के पास रिसोर्सेस कम हो, लिमिटेड हो, तो उन रिसोर्सेस का सही यूटिलाइजेशन कैसे करें, उसके लिए जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा वो क्या है, इकोनॉमिक्स। और जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा आपने कि इस साल क्लास 11th में इकोनॉमिक्स की स्टार्टिंग है, हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं इस साल,
तो अगर इस वीडियो को कोई क्लास 11th का स्टूडेंट देख रहा है तो मेरी उससे रिक्वेस्ट है कि वो इकोनॉमिक्स के माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट को जरूर ध्यान से पढ़े, क्योंकि अगर वो क्लास 11th में माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट को ध्यान से पढ़ेगा तो उसको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12th में समझने में आसानी होगी। और कहीं ना कहीं इस सवाल का जवाब कि सर हम इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट क्यों पढ़ें या उस समय क्या हासिल होगा, तो उसका जवाब सिंपल है सर कि रिसोर्सेज हमारी कंट्री में हैं, लिमिटेड हैं सर। उन रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे होगा सर, ऐसे हम क्या कदम उठाएं या हमें कौन बताएगा ये कि हम क्या कदम उठाएं कि जिससे हमारी कंट्री के रिसोर्स का इस्तेमाल सही तरीके से हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स जो आपको समझने में मदद करेगा कि भैया कंट्री के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कैसे करें। तो मुझे लगता है कि अगर आपको मेरी बात समझ आई है तो ये सवाल आप अपने टीचर से भी पूछिए, उनसे भी डिस्कस करिए, शायद उनका कोई और व्यू हो, कुछ और वो आपको बताएं। बट कहीं ना कहीं जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना शुरू करें, क्लास 11th पढ़ना शुरू करें, पहली क्लास हो, पहली बार टीचर से इंटरेक्शन हो, तो सबसे पहले ये पूछो, अगर सामने किताब रखी है कोई तो सबसे पहले अपने टीचर से ये पूछो कि सर ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ते हैं सर। किताब बाद में खोलिए, इंट्रोडक्शन बाद में पढ़िए, इंडेक्स बाद में देखिए। पहला सवाल ये पूछे कि सर व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि सारे टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कहीं ना कहीं वो अपने स्टूडेंट को बताएं, या मुझे लगता है कि शायद क्लास की स्टार्टिंग में पहला सवाल यही होना चाहिए कि सर अगर हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, सर मैथ्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्यों। सर ये सवाल होना चाहिए, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का सवाल नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि सारे सब्जेक्ट की स्टार्टिंग जहां से भी है, जहां से भी आप पहली क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, सबसे पहला सवाल बगैर किताब खोले टीचर से पहला सवाल ये पूछो कि व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। सिंपल आंसर है कि सर हमारे देश के पास अगर रिसोर्सेज हैं और अगर ये रिसोर्सेज 6,000 रुपए ही हैं तो सर इन 6,000 रुपए का सही यूटिलाइजेशन क्या होगा। अगर हमें ये जानना है ये 6,000 रुपए का सही यूटिलाइजेशन क्या होगा तो मेरे आंखों के तारों क्या पढ़ना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स 11th में और मैक्रो इकोनॉमिक्स 12th में। और अगर आपको कोई भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इशू है, कोई भी डाउट है, तो नीचे कमेंट में अपना मोबाइल नंबर मैं शेयर जरूर करूंगा, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे कोई भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं, मैं आपकी क्वेरी का एज सून एज पॉसिबल आंसर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।